अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहां भी रहें ऐसे हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थोड़ा सा आज जो है ना सुबह की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा वो हो गया है अपना गले की वो खराश हो गई है, तो इसी वजह से जो है ना तबीयत बुखार भी हल्का हल्का है। तो इसी वजह से आप मेरा वो देख रहे होंगे हुलिया भी, तो अब कुछ अच्छी है। तो आज है ना हम आए हुए इधर अपनी मैं कज़न के घर और बेगम साहिबा की खाला हो गई। तो यहाँ पर हम आज स्पेशल कुछ इफ्तारी के लिए बना रहे हैं, तो वो आपसे शेयर करते हैं। तो इंशाल्लाह दोनों मिलकर इंशाल्लाह आज कुकिंग करेंगे। तो पूछेंगे इनसे, इसकी खाला से, कि किसने ज़्यादा अच्छे बनाए हैं। वो चिकन बनाएगी और मैं कलेजी। तो वीडियो काफ़ी दिलचस्प होगी, वीडियो आपने पूरी देखनी है। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। कैसे आप? तो माशाल्लाह से जो है ना चिकन जो है ना इसने तैयार कर लिया है। तो अब मेरी बारी है, मैं बनाऊंगा कलेजे। तो देखते हैं कि पूछेंगे बाद में इनसे कि कलेजे ज़्यादा बेहतर बने या चिकन। आपने ना माह रमजान का महीना, सीधा सीधा सही सही बताना है कि किसने ज़्यादा अच्छी बनाई है। हाँ टेस्ट करोगी आप। आपने ना ये नहीं समझना कि वो मेरी भांजी है, आपने दोनों को बराबर ही समझना है, ठीक है ना? माह रमजान का महीना, झूठ नहीं बोलना। चाहे मेरा ख़राब हो ना तो आपने कह देना भी इसने ख़राब बनाया। अगर इसका ख़राब होगी चिकन जो ज़्यादा टेस्टी होगा वो उसका बताना है आपने। हाँ ठीक है। तो आप सब बहन भाई से गुजारिश है कि मेरा चैनल है कश्मीरा भी लोग, उनका भी विजिट किया करें। जाना शुरू करते हैं। तो अभी चिकन बन गया है और ये भी अपना कलेजी भी बना रहे हैं। उसके बाद जो ना बेगम साहब आप भी हलवा बनाएंगी सूजी का। तो इतने देर में जो है ना मैं ये अपना कलेजी बना लेता हूँ। तो घी इसमें मैंने डाल दिया है। मुश्किल क्या, वैसे है काम मुश्किल, चलो कोई मसला नहीं। तो घी इसमें मैंने डाल दिया है, तो इसमें जाना वो डाले दे, घी गर्म होने देते हैं, घी तो गर्म होने देते हैं। जाना घी गर्म हो गया है, अब इसमें जाना कलेजी डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे ताकि इसमें जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। तो अच्छी तरह यहाँ पर हम इसे भूनेंगे। ये देखिए कि अभी फ्राई हो गए हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट और घी और कलेजी डाली थी, इसे अच्छी तरह यहाँ पर हमने 10-15 मिनट के लिए इनको पकाया है। अब हम इसमें ये डालेंगे। तो व्यूअर इसमें हमने डाला है एक बड़े साइज का टमाटर, एक दरमियाने साइज का प्याज, एक एक चम्मच मिर्च की, एक नमक की और आधा चम्मच इसमें डाला है हल्दी और पिसा हुआ जो है ना धनिया इसमें डाला है हमने। तो ये सब चीज़ें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मिक्स कर देंगे। और ऊपर से जो है ना अभी क्योंकि पानी जो है ना अपना सॉरी टमाटर जो है ना अपना पानी छोड़ते हैं, तो ऊपर से ढक देंगे। तो पहली मरतबा ये काम जो है ना मैं कर रहा हूँ, तो मुझे जो है ना इनका पता नहीं चलता है कि क्या करना है। और कहते हैं कि औरतें क्या करती हैं। तो अभी जो है ना मेरी जो है ना औरतों जितना काम कर ले ना मर्द, हम इन्हें मानेंगे। अच्छा अभी जो है ना ये तो अपना काम कर हार जाएगी, ये बात तो मेरा बैठी है। तो अभी जो है ना इसे तकरीबन 15 मिनट हम यहाँ पर पकने देंगे। सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। तो ये कलेजे जो है ना ये तो वो ऐसे बनेंगे ना इंशाल्लाह। देखो मैं बताऊंगी ना कैसे इंशाल्लाह। तो भाजी की साइड तो वो तो आप जो रोजे के साथ अगर झूठ बोला तो वो तो आप आगे हिसाब देगी। कब्र में कोई किसी के साथ नहीं होगा, अकेली कब्र का बंदा ये भाजी नहीं छुड़वाने आएगी यार। देखिए कि अभी फ्राई हो गए हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट और घी और कलेजी डाली थी, इसे अच्छी तरह यहाँ पर हमने 10-15 मिनट के लिए इनको पकाया है। अब हम इसमें ये डालेंगे ये मसाले। दीजिए सर। तो व्यूअर्स इसमें हमने डाला है एक बड़े साइज का टमाटर,
एक दरमियाने साइज का प्याज, एक एक चम्मच मिर्च की, एक नमक की और आधा चम्मच इसमें डाला है हमने अदरक वो इसका सॉरी हल्दी और पिसा हुआ जो है ना धनिया इसमें डाला है हमने। तो ये सब चीज़ें डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और यहाँ पर मिक्स कर देंगे। और ऊपर से जो है ना अभी क्योंकि पानी जो है ना अपना सॉरी टमाटर जो है ना अपना पानी छोड़ते हैं तो ऊपर से ढक देंगे। तो पहली मरतबा ये काम जो है ना मैं कर रहा हूँ तो मुझे जो है ना इनका पता नहीं चलता है कि क्या करना है और ये कहते हैं कि औरतें क्या करती हैं। तो अभी जो है ना मेरी जो है ना और तो जितना काम कर ले ना मर्द हम इन्हें मानेंगे। अच्छा अभी जो है ना ये तो अपना काम कर हार जाएगी ये बात तो मेरा बैठी है। तो अभी जो है ना इसे तकरीबन 15 मिनट हम यहाँ पर पकने देंगे। सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। तो ये कलेजे जो है ना ये तो वो ऐसे बनेंगे ना इंशाल्लाह। देखो तो मैं बताऊंगी ना कैसे इंशाल्लाह। मैं तो भाजी के साइड में हूं। वो तो आप रोजा के साथ अगर झूठ बोला तो आप आगे कब्र में कोई किसी के साथ नहीं होगा। अकेली कब्र में ना बंदा तुझे ये भाजी नहीं छुड़वाने आएगी यार। माशाल्लाह माशाल्लाह जो है ना हमारे कलेजे जो है ना ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो अभी इन्हें जो है ना मैं आपको जरा प्लेट में डाल के दिखाता हूँ। ये दिखाना है क्यों ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त बने हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे कलेजे। तो मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आज जीत जाऊंगा। इंशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें ये मेरे कलेजे बने हुए हैं। मैंने कहा एक मतलब फिर आपको प्लेट में वहाँ थोड़ा सा अंधारा था तो मैंने कहा दिखा दूँ। तो माशाल्लाह ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये बेगम साहब ने तो रोटियाँ भी आ गई हैं हलवा और ये सूजी रोटियाँ और पानी आ गया। अभी टाइम भी हो गया है तो अभी बैठते हैं और रोज़ा इफ्तार करते हैं। किधर भाग गए थे आ जाओ अभी बताओ ना। अभी मैं कलेजे टेस्ट कर रही ना पहले आप बनाइए देखते हैं। अच्छी तरह टेस्ट करो तो सही तरह बताओ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कौन से ज़बरदस्त है कलेजे यार ये देखते हैं उग्रम है। एक मिनट पानी बना पानी ये भी ज़बरदस्त है आप किसकी तारीफ करूँ नहीं आपको जो चीज पसंद है आप उसकी करें बात करूँ नाराज नहीं होना मुझे सबसे अच्छा हलवा लगा हलवे की बात करें ना आप जाए और इन दोनों में से आप बताएं जो जो अच्छी चीज आपको लगी बता देना मैं नाराज नहीं हूँ। हाँ जो जो चीज़ आपको अच्छी है लगी है वो बताएं आप बस मुझे मुझे कह रहा था कि तू हार जाएगी। मैं पता ही मुझे भी थोड़ी सी मिर्च दिया था है पता है क्या है मुझे भी कलेजे बहुत अच्छे लग रहे हैं अपने सालन से मैं अभी इसकी तारीफ कर रही हूँ बहुत ज़बरदस्त खाना बनाया है। तो जीत गया हूँ मैंने आपसे कहा था कि मैं जो है ना इंशाल्लाह ज़रूर जीतूँगा। उरिया क्या है ये टांगे क्यों भगा रही हो क्या 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 कुछ 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 कुछ
ये फूल कहाँ से लगाया है साइकिल पे? खाला के। बस छुट्टी आप इसकी, अब सुबह चलाओगे? मम्मी आ, चुप चुप आए। प्रिया की मम्मा, प्रिया की मम्मा, प्रिया फीडर, ले आ। तो वीडियो का ये एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की जो हमारी वीडियो है आप सब बहन भाइयों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, इसी चैनल पे हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो हुरिया जो है ना, ये इसे कोई चीज़ दो ना, ये कहती है खाने वाली है, तो ये खाना शुरू कर देती है। ये खेलती है इसे।